पाकिस्तान सेमीफाइनल में। अच्छा, ये हमें नहीं पड़ोसियों को लग रहा है। पाकिस्तान को उसी से उम्मीद है जिसने हराया है। मतलब बात कर रहे हैं हम जिम्बाब्वे की, उन्हें जिम्बाब्वे से उम्मीदें। विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं रोल बब्बर। नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में जो कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का है। भारत जिम्बाब्वे को हरा के आसानी से सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिम्बाब्वे से उम्मीदें लगाए बैठी है पाकिस्तान की टीम। ये वही पाकिस्तान की टीम है जिसे जिम्बाब्वे ने हरा दिया था। अब उसी जिम्बाब्वे से इसको सहमति है कि वह हरा कर हमें सेमीफाइनल पहुंचाए। यही है ना कि किसी से भी किसी का काम और भला हो सकता है। चलिए अब कल देखना है कि किस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेलती है, और हमें उम्मीद है कि इंडिया बहुत आसानी से जिम्बाब्वे को हरा देगी। वहीं इस मैच में रोहित शर्मा का बल्ला चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी वह फॉर्म में पूरी तरीके से नहीं दिखे हैं। वही मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाया है। वहीं गेंदबाजी में भी अर्शदीप ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। क्योंकि अगर जिम्बाब्वे से भारत हार गया तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा और पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। जहाँ तक कि भारत का जीत का सवाल है, वह मुझे लगता है कि बहुत आसानी से जीत जाएंगे। कल हम लोग आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे और पाकिस्तान की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही हम रोज़ क्रिकेट जगत की चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।